खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां पर शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति के बैनर तले क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने तहसील मुख्यालय में धरना देते हुए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इन महिलाओं का कहना है कि 15 जून को उपजिलाधिकारी को मुख्य दो मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसको लेकर आज हम सैकड़ों महिलाएं धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। इन महिलाओं की मुख्य मांग है कि शंकरगढ़ विकासखंड के अमिलिया तहरहार गांव 2007 में लाखों रुपए की लागत से बना महिला अस्पताल में आज तक कोई डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई, जो अस्पताल आज अराजक तत्वों का अड्डा बन गया है। इस अस्पताल में जल्द से जल्द डॉक्टर और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, नहीं तो जिस किसान द्वारा अस्पताल के लिए जमीन दान दी गई थी, उस किसान की जमीन को वापस कर दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि तहसील क्षेत्र के जसरा विकासखंड के कूड़ी गोहानी गांव की गरीब महिला निर्मला देवी पत्नी मुन्नालाल विगत 40 वर्षों से अपने कच्चे मकान में रह रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिलने पर गांव के दबंग द्वारा उस जमीन को अपनी भूमि धरी जमीन बताकर काम को रुकवा दिया। कई बार थाने और तहसील में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस गरीब महिला की जमीन की नाप कराकर उसकी जमीन वापस दी जाए। यूपी के प्रयागराज से भारत टीवी के लिए नावेद खान की रिपोर्ट। मैडम, इस प्रदर्शन के धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या मांग है आप लोगों की? सर, मैं डायरेक्ट अपनी मांगे बताऊं, फिर मैं अपने जो धरना प्रदर्शन रखी उसका पूरा परिचय दूं? नहीं, आप अपनी मांग बताइए। मांग बताऊं? सर, मेरी मांग है दो, और वो भी सामाजिक तरीके से, समाज के लिए है। और वो मांग है कि एक पहली है अमिलिया गांव तरहार की, वो मांग है हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य चिकित्सा की। वहाँ पर 15 साल से मतलब बना हुआ, 2007 में ही एक लोग किसान लोग हैं जो अपनी जमीन दे दिए थे दान में कि हॉस्पिटल बने और हमारे गांव को यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा हो। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल तो बनवा दिए गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे चालू नहीं हुआ, उद्घाटन आज तक भी नहीं हुआ, ऐसे ही हॉस्पिटल पड़े। हमारी मांग यही है कि वो हॉस्पिटल महिला हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो महिला हॉस्पिटल चालू कराया जाए, और अगर नहीं चालू हो सकती है तो वो जमीन खाली कराई जाए। और कोई मांग? और एक दूसरी मांग है कुटी गोहानी की है, जो कि गरीब महिला है और 40 साल से वहाँ रह रही है, पूरे बच्चों के साथ अपना जीवन बिता रही है, एक मड़ई बना करके। लेकिन आज 40 साल बाद जब प्रधान किसी तरीके से घर को कानूनी पास करवाया, गवर्नमेंट तो वहाँ से पास कर देती है, गवर्नमेंट की कमी नहीं है, सरकार की कमी नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सरकारी कर्मचारी है और ये सबसे बड़े प्रधान भ्रष्टाचारी है, जो इन लोग के चलते यहाँ तक कोई हमारी योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पाती है, तो सभी गरीब व्यक्ति परेशान है, चिल्ला रहे हैं। तो हम उसका कॉलोनी आया तो वो क्या हुआ कि कुछ जो दबंग लोग हैं वो रोक लगवा दिए, पुलिस दरोगा बुला देते हैं, और क्या उनका बनने नहीं दे रहे हैं, बोले खाद गड्ढा है यहाँ पर, ठीक है खाद गड्ढा है तो उसको नपवाएं, जो भी जहाँ भी जितने भी खाद गड्ढा आ रहा है, जितने का फंस रहा है, सब पे उस पे उसको हटवाएं, वहाँ से खाली करवाएं। प्रशासन SDM से क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन SDM से हम पूरी तरीके कानूनी तरीके से काम किए हैं, हमारी संस्था है शिवरानी शिक्षा और समाज कल्याण सेवा समिति, जिसके मैं उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष अमरावती, मैं एक महीने से लगातार दौड़ भाग कर रही हूँ। सबसे पहले SDM सर के पास मैं अपना सूचना पत्र लेटर हेड पे लिख के आई, हमारे गांव मिलिया गांव के हॉस्पिटल समस्या है, वो पूरी गवानी महिला परेशान, उसका घर 3 इंच बन चुका है लेकिन रुकवा दिया गया, बन नहीं पा रहा, गरीब है इसलिए उसको दबा रहे हैं। तो ये सब आश्वासन क्या मिला? क्या आश्वासन मिला? क्या कहा? आप जाइए इलाहाबाद DM के पास जाइए, मुख्यालय जाइए, विकास भवन जाइए, वहाँ भी गए, वहाँ भी लेटर दिए, इनकी बात को हमने माना, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आगे आपने क्या आगे कर? वहाँ पर से आकर हम भी इनको अवगत कराए, अवगत कराने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिला। अब आगे क्या सोचा? आगे की हमारी यही सोच है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। आपका नाम और परिचय? चंद्रावती यादव, शिवरानी शिक्षा और समाज कल्याण सेवा समिति से, हमारी संस्था जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से। क्या मांग है आपकी? सर, हमारी ये मांग है कि अमिलिया गांव में, अमिलिया गांव में एक गरीब परिवार है, किसान है, तो 2013 में 2007 में अपनी जमीन दान दिए थे, ठीक है, ताकि गांव का विकास हो जाए। तो हॉस्पिटल बन के तैयार, अभी तक कोई हॉस्पिटल नहीं चालू हुई, अभी मेरे 6 महीने दिल्ली से आए हुए, मुझे 6 महीने हुआ, 6 महीने में कम से कम 11 लोग मर चुके हैं गाँव के, तो ये सब बहुत जटिल समस्या देख के मैंने ये कदम उठाया, मेरे गरीब परिवार भी आगे आए और गाँव को लेकर यहाँ पे आए। और प्रशासन से क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन यही कि आप जाइए, मैं आप करूँगा, मैं तो काफ़ी दिन से फाइल पे फाइल जा रही है, यहाँ पे चंदा लेके, गरीबों से चंदा लेके, कागज पे फोटो कापी ली जा रही है, भैया दो वकील से लिखवाए, वो भी 100 रुपये अप्लीकेशन लिखने के लिए दिया है, कब तक लिखेंगे लोग? तो हमारी अब मांग यही कि जब तक यहाँ पे CMO नहीं आ जाते, ठीक है, जब तक अधिकारी, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जब हमारी मांगे पूरी, तब यहाँ से हम। आपका नाम और परिचय? शिवांशी गुप्ता, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ।
शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण संबंध अपनी सरकार।